प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भूराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिसेटिंग प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। फिजिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स BSc पार्ट फर्स्ट। इसके पूर्व अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि वस्तुएं आवेशित क्यों होती हैं। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रब की जाती हैं, देन वन बॉडी इज रब विद अदर बॉडी, देन दे गेट इलेक्ट्रीफाइड। द व्हाट हैपन इन इट कि सम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। द बॉडी हु लॉस द इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द अदर बॉडी हु गेन द इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड ड्यू टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दे आर अट्रैक्ट अदर लाइट बॉडीज लाइक स्मॉल पीस ऑफ पेपर, फीदर ऑफ द बर्ड्स एंड लीव्स ऑफ द ड्राई लीव्स ऑफ द ट्रीज। तो आपने पढ़ा कि थेल्स वैज्ञानिक ने यह बताया कि अंबर को यदि उन्हीं कपड़े से रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, घर्षित किया जाता है, तो उसमें छोटे छोटे पक्षियों के पंख, कागज़ के टुकड़े और सूखी पत्तियाँ उसकी ओर आकर्षित होती है। इसके पश्चात गिलबर्ट ने बताया, विलियम गिलबर्ट ने, कि भाई कांच की छड़ को यदि अपन रेशम के कपड़े से रगड़े तो भी उसमें ऐसा ही गुण आ जाता है। इसके बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि दर्शन से दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। और उसके पश्चात उन्होंने बताया कि दी लाइक चार्ज आर रिपेल एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। फिर इसके पश्चात में आपने ये अध्ययन किया कि जो चार्ज की यूनिट होती है MKS सिस्टम में कूलाम होती है, और इसके छोटे जो मात्रक होते हैं वो नैनो कूलाम, एक नैनो कूलाम बराबर 10^-9 कूलाम, और एक माइक्रो कूलाम बराबर 10^-6 कूलाम। और इससे बड़ा मात्रक जो अपन कहते हैं वो फेराडे होता है, और एक फेराडे बराबर 96,500 फेराडे। इसके पश्चात अपने पास पढ़ा था कि आवेश संरक्षण का नियम, जिसमें सभी नाभिक अभिक्रिया में आवेश संरक्षित रहता है। आपको इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म उत्पादन का भी उदाहरण बताया था कि गामा रे जिसकी ऊर्जा 1.02 MeV से अधिक होती है, जब किसी द्रव्य से किसी पदार्थ से अन्योन्य क्रिया करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन एक साथ उत्पादित होते हैं। इस प्रकार किसी भी विलगित निकाय में आवेश की कुल मात्रा सदैव नियत रहती है। फिर इसके पश्चात आपने पढ़ा था कि आवेश का क्वांटीकरण, यानी आवेश की छोटी से छोटी इकाई जो होती है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होती है, 1.6×10^-19 कूलाम होता है। किसी भी वस्तु पर आवेश इस इलेक्ट्रॉन के आवेश का ही कुछ गुणज होता है, क्यू बराबर एनी। आज हम इसी की श्रृंखला में आगे पढ़ेंगे। कूलाम का नियम, लगने वाला कूलाम बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम में होता है, तथा लगने वाली जो बल की दिशा होती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंदर होती है। यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस अपार्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइन बोथ द चार्जेस। आप देखते हैं कि जैसे Q1 और Q2 दो चार्ज है, इसके पीछे डिस्टेंस आर है, इसके बीच में जो बल लगता है वो है, यानी Q1 और Q2 के बीच में फोर्स एफ लगता है, इनके बीच का डिस्टेंस आर है, तो अपन कहेंगे F proportional to Q1 into Q2 and F proportional बराबर R square। तो दोनों को मिलाए तो F proportional to Q1 है। अब अपन इस proportional sign को किसी constant से replace करते हैं तो F बराबर K Q1 Q2 upon R square, जहाँ K क्या है, कूलाम नियतांक है, और K की जो numerical square होती है वो 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होती है, और K की वैल्यू 1/4πε0 होती है, और ε0 जो होता है वो निर्वात की विद्युतशीलता जिसको अपन कहते हैं 1/4π K इक्वल टू होता है 8.85×10^-12, ये इसकी यूनिट से उल्टी हो जाएगी, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर। अब अपन निर्वात में लेते हैं या वायु में लेते हैं तो ये F बराबर FVV फॉर वैक्यूम 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, वायु या निर्वात में ये फोर्स होता है। अब यदि किसी अन्य माध्यम में रखें जहाँ माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन हो तो FM इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ये माध्यम की विद्युतशीलता ε₀ की जगह अपना ε₀ आ गया। अब अपन यदि F वैक्यूम और F मीडियम में डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 1/ε₀ ε₀ अपन ε₀। इसको कहते हैं परावर्तन,
यही माध्यम की विशेषता और निर्वात की विशेषता के अनुपात को क्या कहते हैं? परावर्तन। या एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम के अनुपात को भी अपन क्या कहते हैं? परावर्तनांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। जो मेटल्स है उसके लिए इसका मान इंक्रीज होता है, बायो एयर के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए ये अपना वन होता है, कांच के लिए क्या होता है 5 से 10 होता है, बम 2 से 2.3, शुद्ध जल के लिए क्या होता है 80 होता है 80। इसको अपन वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो ये जो है इसमें अपन आर कैप लगा देंगे। आर कैप क्या होगा कि ये दोनों Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा है, उसका वेक्टर सदिश है, यूनिट वेक्टर सदिश है, इसकी दिशा होती है। यदि अपन R1 और R2 इसकी मानने स्थिति तो ये क्या हो जाएगा R21 हो जाएगा, R2 डैश और आर कैप आर इसको होगा R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। अपन इसको सिंपल में ले लिया। अब अपने आगे चलते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए अपन कि किसी भी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें यदि कोई अन्य आवेश प्रविष्ट होना चाहता है तो उसके ऊपर बल लगता है, यानी वह क्षेत्र जिसके जिसमें अन्य कोई आवेश बल अनुभव करे तो उस क्षेत्र को अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यदि Q0 आवेश है, कोई प्रेक्षण आवेश है और वो ई विद्युत क्षेत्र में चलता है तो उसमें फोर्स जो लगता है, विद्युत बल जो लगता है, एफ बराबर Q0 × E लगता है। अब अपन कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है उस बिंदु पर एकांक प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले बल को अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी ई बराबर एफ अपन Q0 पर लिमिट इज Q0 → 0 है। Q0 जो है उसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़े, तो एफ अपन Q0 होगा। इसका मात्र न्यूटन पर अपन कूलम या वोल्ट पर मीटर भी होता है। अब अपन आगे देखना चाहते हैं कि कोई बिंदुवत आवेश क्यू है उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो अपन कहेंगे अपना क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर अपने एक प्रेक्षण या टेस्ट चार्ज रखते हैं Q0, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है एफ। तो एफ बराबर क्या होगा कूलम्ब के नियम से K Q Q0 / R² × R। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है E = F / Q0। तो अपन एफ की वैल्यू जो ये है यहाँ रखेंगे तो K Q Q0 / R² × R² और Q0 की जो काट दीजिए K Q / R² × R। तो ई बराबर क्या होगा K Q / R² × R। अरे वेक्टर हटा दो तो विद्युत क्षेत्र बराबर क्या आ जाएगा K Q / R² क्या हो गया 1/R², यानी इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उस बिंदु से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम पर होती है। यानी बिंदुवत आवेश में ये होता है कि इसमें आवेश क्या होता है एक छोटे से बिंदु में केंद्रित रहता है, या अपन ये कहें या इसमें आवेश सूत्र होता है वो K Q / R². अब अपने पास K की वैल्यू है, Q की वैल्यू है और R है, तो अपन इसके साथ याद करेंगे। आगे अपन विद्युत फ्लक्स, गॉस के नियम के अनुप्रयोग और उसके पश्चात अपन आगे और पढ़ेंगे। ये अभी ये आपकी छोटी कक्षाओं का ही है और आगे और विस्तृत रूप से अपन पढ़ेंगे। आप सबका धन्यवाद।